हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे चैनल में स्पोर्ट इलेवन में। फ्रेंड्स, अभी हम बात करने वाले हैं डर्बन हीट और नेल्सन मंडेला की तरफ से अगला मुकाबला खेला जाएगा यहाँ पर T20 लीग का। तो फ्रेंड्स देखिए, साउथ अफ्रीका T20 लीग में दोनों प्लेयर की वापसी हुई है। यहाँ पर राशिद खान आपको खेलते हुए दिखने वाले हैं और फ्रेंड्स साथ में यहाँ पर दिखने वाले हैं आपको जीसन रॉय। दोनों ने यहाँ पे स्क्वाड ज्वाइन कर लिया है। फ्रेंड्स, ये दोनों किनको रिप्लेस करेंगे अपने अपने टीम की तरफ से, ये हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं और फ्रेंड्स साथ में दिखाएंगे अभी तक क्या परफॉर्मेंस रहा दोनों टीमों का इस पूरे टूर्नामेंट में। अगर आपने हमारे YouTube चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कर सकते हैं। फ्रेंड्स, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना, उससे हमारे YouTube पे आगे आने वाले मैचेस के जो भी वीडियोस रहेंगे वो आप तक सबसे पहले पहुंच जाएंगे नोटिफिकेशन में। तो चलिए देखते हैं क्या परफॉर्मेंस रहा दोनों टीमों का। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर बात करते हैं नेल्सन मंडेला की तरफ से। आप देख सकते हैं यहाँ पर जेसन रॉय की एंट्री हो गई है। फ्रेंड्स, ये कन्फर्म है आपको खेलते हुए दिखाई देंगे, बहुत बड़े प्लेयर हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर जुड़ गए हैं तो आपको खेलते हुए दिखाई देंगे और ये ओपनिंग करने वाले हैं जे जे स्मुट्स के साथ में। आप देख सकते हैं जे जे स्मुट्स का अब तक क्या परफॉर्मेंस रहा है और विकेट से भी देख लीजिए, बहुत अच्छे परफॉर्मेंस दिया इन्होंने बॉलिंग से। इसके बाद देखिए मार्को मॉरिस जो प्लेयर यहाँ पर डाउट में रहने वाले हैं वो फ्रेंड्स यहाँ पर क्रिस्टियन जोंकर हैं और मार्को मॉरिस। इन दोनों में से किसी एक प्लेयर को रिप्लेस कर सकता है जेसन रॉय। और फ्रेंड्स इसके बाद अगर टीम चाहे इन दोनों प्लेयरों को खिलाना, तो ये चीज़ आपने ध्यान से सुनना है, अगर टीम चाहे इन दोनों प्लेयरों को खिलाना तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए इनके पास ह्यून कुंज का ऑप्शन है जो कि विकेट कीपिंग कर सकता है। उसके इस हिसाब से फ्रेंड्स यहाँ पे रूडी सेकंड आपके लिए रिस्की हो सकते हैं। ये फ्रेंड्स मेरी प्रेडिक्शन है, मैं अपने हिसाब से बता रहा हूँ, बाकी टीम मैनेजमेंट क्या सोचता है वो उनके ऊपर रहने वाला है। ज़्यादातर न्यूज आ रही है फ्रेंड्स इन दोनों प्लेयर में से किसी एक को रिप्लेस करने वाले हैं। अभी फ्रेंड्स देखिए आप परफॉर्मेंस और बात करते हैं तो मार्को मॉरिस का भी देख सकते हैं, यहाँ पे बैन टिकट का भी देख सकते हैं, 11 रन बनाए इन्होंने। इसके बाद देखिए ह्यून कुंज ने 12 रन बनाया, इसके पहले अच्छा परफॉर्मेंस दिया था सारे मैचेस में। और यहाँ पे जोंकर का भी देख सकते हैं आप। और इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ से देखिए बात करते हैं तो रूडी सेकंड का भी आप देख लीजिए। इसके बाद क्रिस मॉरिस आपको खेलते हुए दिखने वाले हैं और आप देख सकते हैं बॉलिंग से बहुत अच्छा परफॉर्मेंस भी दिया है। इसके बाद देखिए सिसंडा मंगला है, 3 विकेट निकाले लास्ट मैच में इन्होंने, तो आप इनको भी अपने टीम में ले सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए लेप नहीं खेलने वाले, एरन फ्रगिंस आपको खेलते हुए दिखने वाले हैं, ये फ्रेंड्स देखिए 2 विकेट निकाले इन्होंने लास्ट मैच में। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए जूनियर डाला है, आप चाहे तो इनको अपनी टीम में पिक कर सकते हैं, बिल्कुल आपके लिए एकदम सेफ प्लेयर रहने वाले हैं। बॉलिंग से भी इनका परफॉर्मेंस आप देख सकते हैं, लगातार विकेट भी निकाले हैं। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ से बात करते हो तो आपके यहाँ इमरान ताहिर का ऑप्शन बनता है जो कि आपके लिए एकदम सेफ प्लेयर रहने वाले हैं और फ्रेंड्स ये भी एवरेज परफॉर्मेंस दे रहे हैं, लगभग लगभग सारे मैचेस में एक आध विकेट तो मिल ही जाता है। तो फ्रेंड्स यहाँ से आप एकदम सेफ चॉइस में हैं, तो आप 2-3 प्लेयर जो मैंने आपको बताया उनको छोड़ दीजिएगा, बाकी आपके लिए एकदम सेफ प्लेयर रह सकते हैं। बात करते हैं यहाँ फ्रेंड्स देखिए डर्बन हीट की, तो डर्बन हीट की तरफ से देखिए आपके पास यहाँ पे एरवी को खिलाया गया था जो लास्ट मैच में ओपनिंग आए थे और 32 रन बनाए। आसिम मामला का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं चल रहा था, इनको बैठा दिया गया था और चांसेस बहुत कम है कि ये वापस आए। इसके बाद देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे मॉरन वेनवी की ये आपको खेलते दिखने वाले हैं, दोनों ने बहुत शानदार परफॉर्मेंस दिया था, देखिए 32-33 रन बनाया लास्ट मैच में। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ से देखिए खाइल सोंटो आपको दिख जाएंगे वन डाउन खेलते हुए। इसके बाद डेविड मिलर का तो बताने की जरूरत है नहीं, बहुत शानदार प्लेयर है। इसके बाद है हेनरिक क्लासन, ये आपको दिखने वाले हैं फ्रेंड्स, लास्ट मैच में इन्होंने बॉलिंग कराई थी, हालांकि इनको विकेट नहीं मिला, 2 ही ओवर कराए थे इन्होंने। इसके बाद देखिए एबिन मोरकल, ये आपको बिल्कुल फ्रेंड्स कंफर्म में आपको पता है यहां से देखिए, लेकिन इनको लास्ट मैच में विकेट नहीं मिला, 8 रन इन्होंने बनाए। राशिद खान का यहां पे फ्रेंड्स एंट्री हो चुकी है, स्क्वाड से जुड़ चुके हैं, ये प्लेयर आपको खेलते हुए दिखने वाला, बहुत बड़ा प्लेयर है, मुझे नहीं लगता इसको बैठाया जाएगा, जुड़ गया है तो आपको खेलते हुए दिखने वाला, तो आप बिल्कुल इसको अपनी टीम में पिक कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ से देखिए बात करते हैं तो आपके पास यहाँ पे फ्लिंडर का ऑप्शन है जो यहाँ पे लगभग आपको खेलते हुए मिलने वाले हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पे केशव महाराज आपको खेलते हुए दिखने वाले हैं, काइल एबॉट आपको खेलते हुए दिखने वाले हैं। अभी देखिए फ्रेंड्स 3 प्लेयर आप यहाँ से बहुत अच्छे दिख लीजिए, ब्रेंडन मबूता है और भुकेको है और फ्रेंड्स यहाँ मर्चेंट लीडी लीज, ये 3 प्लेयर में से आपको कोई यहाँ पे एक प्लेयर खेलते हुए दिखने वाला है, आप बिल्कुल इस चीज़ को ध्यान में रख लें। फ्रेंड्स यहाँ से रिस्की आपने लेना है, ग्रैंड लीग में 6 टीम लगानी है, आप इन प्लेयरों को बिल्कुल ट्रैक करिएगा, बदना फ्रेंड्स इनसे बिल्कुल ही दूर रहिएगा स्मॉल लीग की टीम में, तो ये आपके लिए अच्छा ऑप्शन रह सकते हैं। बाकी फ्रेंड्स यहाँ से देखिए अभी सारा कुछ परफॉर्मेंस मैंने दिखा दिया, आप देख सकते हैं एक बार फिर से सारे प्लेयर का परफॉर्मेंस देख लीजिए, उसके बाद भी फ्रेंड्स आपने यदि सेफ खेलना है जहाँ पर आप लास्ट टाइम भी आके टीम को एडिट कर सके, कोई चेंजेस होता है, कोई प्लेयर नहीं खेलता आपका, तो आप फ्रेंड्स यहां से टीम को एडिट भी कर सकते हैं। उसके लिए फ्रेंड्स सबसे पहले आपको साइनअप करना होगा लीग एक्स पे, ये रेफरल कोड है फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हैं, लीग एक्स बहुत शानदार साइड है फ्रेंड्स, साइनअप करते हैं आपको ₹25 कैश बोनस मिल जाएगा जो कि आप 100% यूज कर पाएंगे और लीग एक्स तरफ से फ्रेंड्स ₹200 तक कैश बोनस मिलता है। तो फ्रेंड्स टॉस होने के बाद में आप यहाँ पर अपनी टीम को बिल्कुल आगे एडिट कर लीजिए, आपको पता चल जाता है जो भी प्लेयर खेल रहे हैं आप अपनी टीम में उन्हें पिक कर सकते हैं। इसके बाद देखिए हाला प्ले पर जरूर साइनअप कर लेना, ये रेफरल कोड है, हाला प्ले पर दोनों टीमों का प्लेइंग 11 पता चल जाता है आपको, मैंने काफ़ी बार दिखाया है, वहाँ पॉइंट लग के आ जाते जो भी प्लेयर खेल रहा होता है तो आप उनको अपनी टीम में
पिक कर सकते हैं। रेफरल कोड यूज़ करेंगे, साइनअप करते ही 100 रुपये कैश बोनस मिल जाएगा, जो कि आप यहाँ पे 100% यूज़ भी कर पाएंगे। फ्रेंड्स यहाँ से देखिए दोनों टीम साइडों पे आपने बिल्कुल भी अपनी टीम को लास्ट तक एडिट कर सकते हैं और बिल्कुल भी आपको कैश ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। आप बगैर कैश ऐड करके भी यहाँ पे फ्रेंड्स अच्छा अमाउंट विन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आपको साइनअप करना है तो आप डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा, दोनों साइडों का साथ में दे दूंगा रेफरल कोड, तो आप ज़रूर यहाँ से साइनअप भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ से आपको विकेट कीपिंग में दो ऑप्शन दिखने वाले हैं, आप बिल्कुल दोनों में से किसी भी प्लेयर को पिक कर लीजिए। मेरे हिसाब से यहाँ पे जैसा कि मैंने बताया, यदि चेंजेस थोड़ा सा अनएक्सपेक्टेड चेंज हो जाए तो ही रूडी सेकंड आपके लिए रिस्की रहने वाले हैं, बाकी एकदम सेफ प्लेयर है। पर यहाँ पर मोरन वेनवी का भी अच्छा परफॉर्मेंस रहा है तो मैं इनके साथ जाना पसंद करूँगा। बाकी आपने लेना रूडी सेकंड को, आप बिल्कुल अपनी टीम में पिक कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ से बात करते हैं बॉल बैट्समैन की, तो बैट्समैन में देखिए जेसन रॉय है। हासिम आमला को लास्ट मैच में ड्रॉप किया गया था, आप इनको बिल्कुल ही मत पिक करिएगा। और फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए डेविड मिलर आपको खेलते हुए दिखने वाले हैं, आप ह्यून कुंज को ले सकते हैं, आप वेन टिकेट को ले सकते हैं, आपके पास यहाँ पे हेनरिच का ऑप्शन है, आप बिल्कुल इनको पिक कर सकते हैं। जैसे कि आपको बताया जोंकर थोड़े से रिस्की रहने वाले हैं, बाकी देखिए मबूता है ये आपको मैंने बता दिया, खाए जोंडो ये दोनों प्लेयर में से कोई एक प्लेयर खेलने वाला है। और यहाँ पे एरबी जो कि ओपनिंग आए थे इन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया, तो बिल्कुल आप इनको ट्राई कर सकते हैं। इसके बाद देखिए आपने मार्को मोरेस को लेना है तो आप इनको भी पिक कर लीजिएगा, बाकी ये आपके लिए रिस्की रहने वाले हैं, ग्रैंड लीग में आप चाहें तो इनको ट्राई कर सकते हैं। बात करते हैं यहाँ पे ऑलराउंडर की, तो देखिए आपके पास यहाँ पे क्रिस मॉरिस है और फ्रेंड्स राशिद खान का ऑप्शन है। इसके बाद देखिए जीजे स्मूथ, ये बहुत शानदार ऑप्शन है, आपने लगता है यहाँ पे राशिद खान रिस्की रहने वाले हैं, आप मोरगिल को ले लीजिए, ये मेरे हिसाब से एकदम आपके लिए सेफ प्लेयर रहने वाले हैं। बाकी देखिए आपने मॉरिस का यदि लगता है विकेट नहीं मिलेगा तो आप फ्लिंडर को भी ले सकते हैं, जो कि बॉलिंग के साथ साथ बैटिंग भी कर सकते हैं। ये आपके पास जो आपकी चॉइस रहने वाली है, आपने यहाँ पे किस प्लेयर को पिक करना है, किसको नहीं पिक करना है, ये आपके ऊपर रहेगा। बाकी न्यूज़ देना मेरा काम है, मैंने आपको सारा कुछ बता दिया। अब भी देखिए फ्रेंड्स यहाँ से इमरान ताहिर आपके लिए सेव ऑप्शन रहने वाले हैं, काइल एबॉट एकदम सेव ऑप्शन रहने वाले, आरोन थोड़ा बहुत चांस है, बाकी फ्रेंड्स रिस्की ऑप्शन है, मत ट्राई करें, ग्रैंड लीग में आपने लड़ तो ले सकते हैं। इसके बाद देखिए सिद्धांत मंगला आपको खेलते हुए दिखने वाले हैं, आपके पास यहाँ पे जूनियर डाला का ऑप्शन सेव है, केशव महाराज का ऑप्शन सेव है, ये प्लेयर आपके लिए एकदम सेव रहने वाले हैं, आप बिल्कुल इनको अपनी टीम में पिक कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए ब्रेंडन मबूता और फ्रेंड्स ये बुकेको, ये थोड़े से रिस्की रहने वाले हैं, इनमें से कोई एक प्लेयर खेलेगा जो मैंने आपको तीन प्लेयर दिया था। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ से देखिए आप किसी और प्लेयर को ट्राई करना चाहते हो तो ये फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए मर्चेंट लीडे, तो तीन में से कोई एक प्लेयर खेलेगा तो आपने अपने रिस्क पे लेना है। आपको मैंने न्यूज़ दे दिया हूँ कौन प्लेयर खेलेगा नहीं खेलेगा, ये सारा कुछ लास्ट टाइम पे क्या डिसाइड होता है टीम मैनेजमेंट का, फ्रेंड्स जो भी न्यूज़ निकल के आ रही वो मैंने आपको दे दिया हूँ। यहाँ से देखिए काले वुड को आप लेना चाहते हैं बिल्कुल आप पिक कर सकते हैं। इसके बाद इमरान ताहिर को लेना, आप इनको भी पिक कर लीजिएगा। तो ये आपके ऊपर रहेगा, आपने किनको पिक करना है किनको पिक नहीं करना है। बाकी देखिए फ्रेंड्स यहाँ से ऑलराउंडर सेक्शन में से आप चाहें तो यहाँ पे क्रिस मॉरिस को ले सकते हैं, तो आपके फ्रेंड्स ये टीम रह सकती है, ये टीम आपके लिए मेरे हिसाब से एकदम सेफ टीम रहने वाली है, आप चाहें तो इस टीम के साथ भी खेल सकते हैं। बाकी देखिए आपने ग्रैंड लीग में यदि 6 टीम लगाई हैं या फ्रेंड्स 6 नहीं 3-4 में से ही टीम लगाई हैं तो आप जरूर अलग अलग ऑप्शन में ट्राई कर लीजिएगा जो जो मैंने आपको ऑप्शन दिया हूँ। यहाँ से देखिए कैप्टन वाइस कैप्टन की बात करते हैं, तो देखिए फ्रेंड्स अभी आपको पता ही होगा जेसन रॉय वापस ही आए हैं और जेसन रॉय का बहुत अच्छा फॉर्म चल रहा था अभी, और आप चाहे तो इनको ले सकते हैं। बाकी देखिए स्मोर्ट्स बहुत अच्छे, हालांकि बैटिंग से अच्छा नहीं कर पा रहे लेकिन बॉलें अच्छी करा रहे हैं। इसके बाद देखिए बैन टिकेट और डेविड मिलर का तो बताने की जरूरत है नहीं, बाकी प्लेयर बहुत शानदार है फ्रेंड्स, आप इन्हीं में से अपने कैप्टन वाइस कैप्टन रख लेना, मैं आपको 3-4 प्लेयर सजेस्ट कर दे रहा हूं। जेसन रॉय हैं, बेन डकेट हैं जो कि बन डाउन खेलने के लिए आते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स यहां पे डेविड मिलर बहुत शानदार प्लेयर हैं, आपके पास राशिद खान बहुत नीचे खेलने के लिए आएंगे लेकिन आपने बॉलर्स में से ट्राई करना, ग्रैंड लीग में आप जरूर ट्राई कर सकते हैं, स्मॉल लीग में तो फ्रेंड्स आप इन्हीं के साथ जाएगा जो कि टॉप ऑर्डर के बैट्समैन है। और जहां तक मोरन वेनवी, तो फ्रेंड्स इनमें से ही आप ट्राई करना, ओपनिंग तो फ्रेंड्स यहां से एरबी आए थे, लास्ट मैच में अच्छा परफॉर्मेंस भी दिया था। बाकी देखिए ग्रैंड लीग में आपके पास काफी ऑप्शन है, आप यहाँ पे चाहे तो सिरेंडा मंगला को ट्राई कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स देखिए राशिद खान है आपके पास, क्रिस मॉरिस हैं आपके पास, जूनियर, ये फ्रेंड्स आप इनको ट्राई करिएगा लेकिन मैंने और भी जो ऑप्शन बताए हैं आप उनको जरूर ट्राई कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स फिलहाल के लिए इतना ही, वीडियो को जाते जाते एक लाइक जरूर कर देना, और आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लिया करें, उससे हमारे यूट्यूब पे आगे आने वाले मैचेस के जो भी वीडियोस रहेंगे वो आप तक सबसे पहले पहुंच जाएंगे नोटिफिकेशन में, ताकि आप उसका लाभ ले सके जल्द से जल्द। और फ्रेंड्स ऐसे ही मैं वीडियो लाऊंगा जहां तक मैं सारे परफॉर्मेंस लेके आपके लिए ला सकूं, ताकि आपको प्लेयरों का क्या परफॉर्मेंस चल रहा है सारे मैचेस में, कैसा परफॉर्मेंस दे रहे हैं, तो वो सब आप यहां से देख सकें। तो फ्रेंड्स वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।